हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में बहुत मस्त मजे में रह रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह की राम राम। तो सब मजे में रह रहे हो, एक बार कमेंट तो कर दो भाई। तो फिलहाल अभी टाइम रखा है 6:10 और किट विट पहन के मैं ऑल ओके हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई जा रहा है प्रैक्टिस पे स्कूल की। तो मैं सब पता होगा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया कि भाई कल प्रैक्टिस पे भी जाना है, तो इसलिए तुम्हारा भाई जा रहा है प्रैक्टिस पे और फिर मिलता हूँ स्कूल में जाके। खैर स्कूल में फोन वोन तो मैं लेके नहीं जा रहा, क्योंकि यार मेरा फोन चार्ज भी नहीं है, इसलिए नहीं लेके जा रहा। और नीचे देख लो भाई, तुम्हारे भाई ने ये क्या पहन लिया। तो मैं बताता कल के लोगों में देख लिया था कि मम्मी घर पे नहीं है, और भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन से जूते पहने, ये वाले या फिर वो बेसिक्स कितना शाइन कर रहा। और मैंने बना लिया शेक अपना, क्योंकि मम्मी है नहीं, आज शेक से काम चलाना पड़ेगा। लंच वंच तो खैर मैं पहले भी नहीं लेकर जाता था। टाइम हो रहा 6:20, तो पहले स्कूल में चलता हूँ फिर मिलता हूँ। शूज पहन के एकदम रेडी है, एक बैग गियर एक बैग गियर चलता हूँ भाई। तुम्हारा भाई निकल लिया अपना स्कूल के लिए। तो स्कूल में भाई अपने सारे प्रैक्टिस वाले आ रहे हैं। मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि 20 तारीख को टूर्नामेंट है, मतलब टूर्नामेंट तो नहीं, विद्या भारती का स्टेट है, तो वहाँ खेलने भी जाना। और देख लो किट, देख लो तुम्हारा भाई ने कौन सी पहनी है, नई वाली। ये अच्छी लगा तो कमेंट में लिख दियो भाई, ये अक्षय भाई बहुत बड़े किट लग रही है। तो चलो पहले चलता हूँ फिर मिलता हूँ भाई। फिलहाल मैं आ चुका था अपने स्कूल पे, मैंने तो मैं दिखा दिया था भाई आज मम्मी भी नहीं, भाई मम्मी आ जाएंगी आज शाम तक। वैसे मम्मी ने बताया कि शाम तक आ जाएंगी, लेकिन अब देखते हैं कब तक आएंगी। मैंने रात मम्मी से बात भी नहीं की, बस जब मम्मी पहुंचने वाली थी तब कह रहा था कि हाँ बस पहुंचने वाली हूँ। तो बस पहले स्कूल में चलते हैं फिर मिलता हूँ। देख लो 6 बजने वाले हैं। और भाई जैसे ही मैं स्कूल से आ गया था मैं सो गया था, मतलब स्कूल से आया था मैं 2:30 बजे के आसपास, 2:35 के आसपास, और फिर मैं भाई आके सो गया 3 बजे के आसपास। क्योंकि और तुम्हें पता ही है मम्मी है ना, और मैं स्कूल से वो खा के आ गया बिरयानी, क्योंकि तुम्हें पता है डेली बिरयानी खाता हूँ भाई मैं। तो व्यू तो आज कुछ है नहीं, है या नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। तो भाई कल का देखते हैं। और वैसे बिल्डिंग के पीछे ऐसा लग रहा ना भाई, सब कुछ डेंजर चीज हो रही है, गलत चीज भाई, सब कितनी कैडी लग रही है। तो भाई अभी पहले बना लूँ भाई चाय, क्योंकि भाई तुम्हें पता अपना तो ऐसा सिस्टम है कि चाय भाई पीते रहे मैं भाई, और इस टाइम चाय पीनी ज़्यादा जरूरी है। तुम्हें पता ना मैं किस चीज़ से लम्बू हूँ चाय पी गए। तो मैं स्कूल से तो आ गया था, मैंने तुम्हें बताया था स्कूल में भाई आज ज़्यादा कुछ खास भी नहीं हुआ, सिर में दर्द हो रहा था और बहुत ही तगड़ी स्कूल में नींद आ रही थी, जिसे कहा ना अल्टीमेट वाली नींद, वो वाली नींद आ रही थी। अब मैं बताऊँ क्या करता, मैडम के सामने थोड़ी सी उठता, फिर भी मैंने पलक झपका ली थोड़ी थोड़ी सी। चलो अब पहले चाय बना लो फिर भी लूँ। तो भाई अपना प्रोग्राम तो हो चुका, बस चाय खदगन लग रही है भाई इसकी थोड़ी सी, ये ज्यादा हल्की सिंपल सी कर दूंगा ना भाई। चाय पी के फिर चलेंगे नीचे, टाइम होगा 6:05। और भाई मैंने मम्मी का फोन करा, मैंने कहा पूछा मम्मी कहाँ, मम्मी कह रही थी कि मैं तो निधिवन घूम रही हूँ। मैंने कहा चलो यार मम्मी घूमो घूमो, अगली बार मैं भी चलूंगा आपके साथ। क्योंकि भाई तुम्हें एक बात बताऊँ भाई, हमारे लड्डू गोपाल के जो भाई तुमने पहले व्लॉग देखा होगा, हमारे लड्डू गोपाल जी का आधा हाथ टूट चुका था, तो यार फिर उन्हें मंदिर में रखना थोड़ा ठीक नहीं था। तो इसलिए मम्मी का मेन रीजन जाना था ये कि वहां से जाएं मम्मी लड्डू गोपाल आए, और वहां पे सबके जितने मंदिर है, कीर्ति भवन जितने मंदिर है सारे, प्रेम मंदिर जितने वगैरह, और क्या नाम है बांके बिहारी मंदिर, परिक्रमा गोवर्धन की, और जितने भी निधिवन, सबके दर्शन लड्डू गोपाल जी को करा के लाएं, फिर शुद्ध तरीके से अपने घर में प्रवेश करें लड्डू गोपाल जी का। बस यही था उनका। चलो अब जैसे भी मम्मी आके बताएंगी कि मम्मी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब गई तो कई बार है भाई मम्मी, मेरे साथ भी गई थी पहले तुमने देखा होगा। तो बस मम्मी से पूछेंगे मैंने कहा मम्मी मजा आया या नहीं आया, गाड़ी में कोई उल्टी उल्टी तो नहीं, क्योंकि मम्मी को अधिकतर हो जाती है लंबे रूट पे। तो चलो ऐसी तो कोई बात ना, पहले चाय पी लें। मैंने और अपने भाई के लिए बनाई है, छोटा भाई हूँ भाई, बड़े भाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है इसलिए। और ऐसा नहीं है कि छोटे हो तो वगैरह नहीं रहते हम, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। चाय खदक के पी के मिलता हूँ। हो गया भाई, गंदा कुछ थोड़ी है, क्यों यार इन्हें क्या हाल आपके, आ तो है बड़े दिन बाद मिले यार भाई, भाई अपना दिखता नहीं है। और वहाँ पे देख लो भाई अपनी सोसाइटी में हो रहा भंडारे का आयोजन, ये हो रहा और सिद्धांत, और इसे देख लो अभिनव को, दोनों भाई अपना ऑन द टॉप हमेशा ला रहे भाई खाना। अबे यहीं यहीं खा लेगा क्या, ओए यहीं खा लेगा, पार्क नहीं है क्या है, पार्क नहीं है, पार्क में चलना अपने वाले में, आर्यन जाना तू भी लेकर लाइन में लग के, आर्यन भाई की दुकान चल वो आ रहा छोटू, हलुआ भी है ओए, टैली हलुआ भी है, अच्छा दोबारा चलेंगे, कह रहा भाई दोबारा लाइन खड़ा हो जाऊंगा मैं, जा गया हाथ में 3-3 चम्मच ले रहे हैं हम ना भाई,
क्यों? अरे नहीं पक्का कुछ नहीं खाऊंगा, गोली कैसे हो जाएगी, तू पागल वागल है क्या? और इधर को आओ भाई, चुप ही चुप बंदे भाई। हमें पता नहीं था कि हमारी सोसाइटी में ये सिस्टम बैठ रहा, मतलब कि आज छठी है ना कान्हा जी की, तो इसीलिए जो जन्माष्टमी का बात होती है, तो इसलिए भाई हमारी सोसाइटी में खड़ी कड़ी चावल बट रहे हैं, सुबह से बट रहे हैं। और ये रहा भाई अपना, ये देखिए खा रहा है यार। सर टेली आराम से कर ले यार, आराम से, ठीक है ना, बिल्कुल ही नीचपना। हाँ तो आराम से खा सके, परेशाजे कर रहा है वो भी, तो घर लेके जा रहे हैं अपने। नहीं भाई बोल शंकर भगवान की जय, भाई पहले खा ले फिर मिल। भाई ये रहा ए ब्लॉक का भंडारा, यूरा भाई मैंने तुम्हें बता दिया छठी की वजह से, और ये रे भाई लोग सारे भाई सबका पेट फूल है, सब उधर ही खा के आ गए। अब इधर चेक करना है क्या क्या सौदा है इधर, मेरे को ही बता देता। ये रे लो व्यवस्था देख लो, व्यवस्था तो ठीक ठाक है भाई इधर, जन्म उसकी छठी के उपलक्ष्य में वही कराएगा सोसाइटी में भंडारा। भाई कहाँ से फट गई मम्मी नहीं है तो कितना काम खुद से करना पड़ रहा है। ये रही मेरी स्किन जो सुबह मैं पहन के जाता हूँ, जो तुम्हें पता ही होगी, देख लो कितनी गंदी निकली है। और ये रही मेरे ऊपर वाली पहनने की स्किन, ये दोनों धोता हूँ, वाइट वाली नहीं धो पाऊंगा, उन्हें धो लूंगा मम्मी से, इन्हें निचोड़ दूंगा अच्छे से फिर। भाइयों ये वाला व्लॉग एंड हो रहा है, इस व्लॉग से करीब 5-6 दिन बाद छठी शायद 8-9 तारीख की थी, और आज तारीख हो रही है 16, और तो 4-5 दिन बाद ये वाला व्लॉग डल रहा है। तो जैसे भी व्लॉग है भाई अपना प्यार बनाए रखो, और मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग डालूंगा अब से। भाई थोड़ा शेड्यूल थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं चल रहा, और कुछ वो भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो भी अगर तुम इंटरेस्ट रखना चाहते हो कि ऐसे व्लॉगिंग में, या फिर कोई दिक्कत वाली बात रहा, शॉर्ट्स भी चलती रहेंगे, मैं शॉर्ट्स भी डालता रहूँगा, कुछ कमेंट तो करो भाई, ऐसे मुझे डीमोटिवेट मत करो। अब मैं आगे से पूरे व्लॉग डाल लूँगा, जैसे भी होगी मैं तुम सब बताऊँगा। तो पहले ये वाला व्लॉग एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपके नए वाले व्लॉग में। आई होप आप सभी का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, रात वाली राउंड।